मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको जगह जगह मिलेगा सस्पेंशन ब्रिज, उसके ऊपर क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले आपको बताते हैं सस्पेंशन ब्रिज होता क्या है। नॉर्मल ब्रिज भी होते हैं हमारे, फ्लाईओवर्स वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं। सस्पेंशन ब्रिज वहां बनाए जाते हैं जहां पर आप लोग फ्लाईओवर बना नहीं सकते, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है वहां पे। जैसे मैंने कहा यार एक खाई है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा गहरी है, एक खाई यहाँ पे, इन दोनों खाई को अगर आपको जोड़ना है फ्लाईओवर कैसे बना पाएंगे, कैसे मसीले, ये बहुत ज्यादा गहरा होता है, बहुत ज्यादा गहरा, किलोमीटर में होगा ये गहरा, कैसे आप बनाएंगे। तो ऐसे में हम लोग करते क्या है, सस्पेंशन ब्रिज बना दिया जाता है। अब देखो, अब नीचे से तो भैया सपोर्ट है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि नीचे से तो है नहीं कुछ भी सपोर्ट। अगर हमने कोई भी ब्रिज बनाया तो क्या करते थे, उसको ऊपर से बांध देते इस तरीके से, इस तरीके। और देखो यहां तो पोल लगा ही सकते, यहां जमीन होगी, यहां जमीन होगी, यहां पोल लगा दिया और ये इस तरीके अटैच कर दिया, और ये सारे वायर से वो इसको पकड़े रहते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन ब्रिज वहां बनाए जाते हैं, ठीक है, बात समझ आई ना। क्योंकि सस्पेंडेड मीन्स होता झूलता हुआ, तो सर ये इस तरीके के होते हैं। लेकिन इन पे कोई ज्यादा भारी भरकम जो व्हीकल्स होते हैं वो नहीं है। अगर ट्रेन जाएगी भी, बहुत ही कम है ऐसे, अगर ट्रेन जाएगी तो बहुत धीरे धीरे, अगर जू निकल गई तो, जू निकल गई तो रास्ते सब नीचे, जू तो जू जू नहीं आती, बहुत आराम आता है, क्योंकि इनमें इतना वो नहीं होता है कि, ठीक है, अगर यहाँ से तो ट्रेन जाएगी तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप लोग जाते होंगे, दिल्ली भी जाते होंगे, तो वहाँ पे वो यमुना का जो पुल आता है, जबकि वो तो लोहे का है, फिर भी ट्रेन बहुत आराम से जाए भैया जाती है वहाँ पे, तेज नहीं जाती, बहुत आराम आराम से, ठीक है। हाँ, तो ये तो इसका यूज होता है, पहली बात। तो अब जरा मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ क्वेश्चन, फिर इसका प्रैक्टिकली भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, करना तो बहुत सिंपल है, एक दो लाइन में आंसर आएगा, उस पर नहीं जाएंगे, मीनिंग समझते इसका, क्योंकि अभी तक मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में सबसे अलग क्वेश्चन है। कैसे देखते हैं, द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन वायर हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, द रोडवे मतलब सड़क विच इज हॉरिजॉन्टल, सड़क इस तरीके से है, ठीक है, एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाई अ वर्टिकल वायर्स टू द केबल। अब देखो बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया, दो जरा मुझे ये समझाते हैं इसको कैसे। ये हमारे पास क्या है, ये सस्पेंशन ब्रिज, ये रोड है हमारे पास, इस तरीके से रोड जा रही है, ठीक है। ये देखो हमारे एक वायर है, ठीक है, इस वायर को हमने बीच में सपोर्ट दिया, क्योंकि ये वायर यहाँ तो स्ट्रिंग है ये तो, लेकिन वो जो वायर होता है बहुत ज्यादा ही वजन वाला होता है, बहुत ज्यादा ही, ठीक है, तो उसको बीच में सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो हमने ये इसको सपोर्ट दी गई इस तरीके, और ऐसे गाड़ियां जा रही होंगी, और ये बीच में खाई होगी इसके, ठीक है ना, इस तरफ खाई होगी, तो इसको पकड़े हुए होते हैं इस तरीके से, हमारा ये सस्पेंशन ब्रिज होता है। तो अब मैं इसका जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा वैसे ही करता हूं कि भैया ये जो दो सपोर्ट लगे हुए हैं, और जो हमारा जो सस्पेंशन ब्रिज है, इसकी जो लेंथ थी वो 100 मीटर थी, कितनी थी ये, 100 मीटर, ठीक है सर। लेकिन अब क्या क्या इस पर लोड है, हर तरफ इस पर क्या है, लोड है, तो ये इस तरीके से हो गया, किस शेप में, पैराबोला शेप में, आ रही बात समझ में। अच्छा, एक तो इसको यहां सपोर्ट गिवन है, यहां सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है, हर तरफ इसको क्या है, सपोर्ट, सब हर तरफ दी गई सपोर्ट। तो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी सपोर्ट है उसकी लेंथ 30 मीटर है, मतलब इस वाले की लेंथ कितनी है, 30 मीटर है, और जो सबसे छोटी सपोर्ट है उसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। आई बात समझ में, क्लियर भैया। चलिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर, सपोर्टिंग वायर ये सब क्या है, सपोर्टिंग वायर है, ये मेन वायर तो हमारे पास ये है, ठीक है, मेन वायर, लेकिन इसको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, इसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोड वे, मतलब ये जो है 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। अब देखो ये मान लो इसका मिडिल है, तो ऐसे कई सारे पोल पोल लगे होंगे सपोर्ट में, तो कह रहे हैं यहां से 18 मीटर दूरी पे जाओ, ये 18 मतलब ये 18 मीटर की दूरी है। अब इसके पास जो सपोर्टिंग पोल है उसकी हाइट बताओ कितनी है, उसकी हाइट बताओ कितनी, देखो इसकी 30 है, तो पक्की बात है अब जो यहां होगा उसकी हाइट कम होगी, इसकी हाइट, अब ये जो हाइट है कह रहे हैं सबसे कम है, तो कह रहे हैं इससे 18 मीटर की दूरी पर जाओ आप, तो पक्की बात है वहां पे आपको एक ये पोल मिलेगा, सपोर्टिंग पोल मिलेगा, तो उसकी हाइट बताओ कितनी है। बात समझ आ रही है, पक्की बात है ना, क्लियर हुआ ये इस डायग्राम। तो ये हमारा रोडवे है, इस तरीके से रोडवे मतलब सड़क हॉरिजॉन्टल है, सड़क ऐसे तो झूल नहीं रही होगी, हॉरिजॉन्टल है, तो इस तरीके से क्लियर है, दिमाग में इमेज बनी, पक्की बात है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली कैसे करेंगे ना भैया, चलो अब देखिए ये क्वेश्चन अभी भी क्यों इंपॉर्टेंट, आपको समझा दिया फिर भी देखिए एक चीज में
जो अलग है और क्वेश्चन से जितने भी हमने सॉल्व किए मिसलेनियस में क्या है। अब देखो प्यार से समझते हैं, रोड की जो लेंथ है वो कितनी है। रोड तो क्या होती है, बहुत ज्यादा लेंथी होती है, इस तरीके समझना बात को जानते हैं। लेकिन जो एक केबल वायर की जो सपोर्ट है यहां से यहां तक, इस समय इसकी रोड कितनी है, 100 मीटर। ऐसी और भी ऐसा तो है नहीं रोड पर एक ही होगा, कई सारे लगे होते हैं सस्पेंशन में, ये तो ये कितनी है, ये 100 है। ऐसे कई सारे होते हैं ना सस्पेंशन में, ऐसा नहीं कि एक ही बार होगा, वो तो बहुत ज्यादा ही बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो अगर एक जो केबल यहां से लेके यहां तक जा रही है तो उसके बीच की रोड की लेंथ कितनी, हाइट मतलब, हाँ लेंथ कितनी 100, इसकी लेंथ कितनी 100, इस तरीके से, ठीक है, उस पर नहीं आएंगे, कंसेप्ट समझते हैं। चलो अच्छा, अब देखो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है उसको देखेंगे। चलिए अच्छा, केबल जो भैया है वो इस तरीके से है, ये इस तरीके से, क्लियर है, ये एक सपोर्टिंग वायर है, तो इसकी ये कितनी भैया 30 मीटर, और इधर कितना है हमारे पास 30 मीटर। अब समझना लॉजिक, यहाँ से बीच में कई सारे सपोर्ट्स हैं, ये एक सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, सेंटर वाली सबसे कम होगी, पक्की बात है, सेंटर वाली क्या होगी, सबसे कम होगी, ऐसे ये सपोर्ट है, कई सारे ऐसे सपोर्ट्स हैं, इस तरीके से हमारा ये बना हुआ है, क्लियर है। तो कह रहे हैं सेंटर, ये रहा सेंटर, सेंटर से 18 मीटर की दूरी पे जो भी सपोर्टिंग वायर है उसकी भैया हाइट बताओ। लेकिन पैराबोला हमने 11th क्लास में ऐसा पढ़ा है कि जिसका जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पर ही होता है, टेंशन सबसे बड़ी यहां पर आई क्या। तो अब देखो, अब देखिए, ये रही हमारे पास एक्स एक्सिस, ये रही हमारे पास वाई एक्सिस, बात समझ आ रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहीं पर ही लेंगे, क्योंकि हमने पैराबोला इस टाइप का ही पढ़ा है कि जो टच करेगा वो वर्टेक्स पर ही जाएगा, मतलब ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, इसी टाइप का तो हमने पढ़ा है मेरे भाई, यस और नो, इसी टाइप का हमने पढ़ा है। अब सुनो जरा, अब सुनो, ये डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, तो पक्की बात है अब ये 24 बचा होगा, यस और नो, ये 24 ही तो होगा, क्यों इतना तो 6 कम होगा, क्यों हमको मतलब है पैराबोला से इतने से, बात समझ आ रही ना, जैसे यहां पे देखो ये चीज है ना, ये इस तरीके से है, तो पैराबोला तो ये हो गया, तो एक्सिस यही तो हो गया इस तरीके से, तो एक्सिस जो 11th क्लास में हम पढ़ेंगे वो हमेशा पैराबोला को टच करती हुई जाती है, यस और नो। चलिए जी अच्छा, अब सुनो जरा, तो इसकी ये कितनी थी 100 मीटर थी, पक्की बात है ये 50 और ये 50, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या 50 × 24 नहीं हो गए, यस और नो। अब आप कहेंगे सर ये तो भैया 30 है, हम क्यों, हम भैया इसको मानेंगे ना, क्योंकि पैराबोला हम एक्सिस से देखेंगे, क्लियर है। चलिए तो इस टाइप के पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, बात समझ आई, पक्की बात है। तो 50, 24 इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ये लिख लेना, चलिए रखो x की जगह 50 × 50, y कितना है 24, तो ये हो गया 2500 और ये कितना हो गया 96, a कितना निकल गया है हमारे पास भैया, a हमारे पास इतना निकल गया है, कोई डाउट यहां तक। चलिए अब सुनो, अब ये कह रहे हैं सेंटर से 18 मीटर की दूरी पर, सेंटर से, सेंटर ये रहा हमारे पास, यस और नो, ये डिस्टेंस कितना मान लो 18 मीटर, तो कह रहे हैं इसकी हाइट बताओ पूरे की, हमको तो खैर पूरे की फाइंड करनी है, बट यार अंडरस्टूड है ये तो 6 हो ही गया, अब हम क्यों इतने की फाइंड कर लेंगे और 6 उसमें ऐड कर देंगे, क्यों हमको तो यहां से चाहिए ना, ठीक है। तो ये 18 है और ये डिस्टेंस मान लो y, हमको पता नहीं कितना है, तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 18, y होंगे, तो क्या 18, y इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, चलिए तो x की जगह कितना रखेंगे 18 × 18, 4 a कितना है 2500 × 96 × y। चलिए अब यार कैलकुलेशन है, कोशिश करते हैं कैलकुलेशन प्यार से हो जाए, तो चलिए इसे कट करेंगे, कितने 4 × 8, क्लियर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 18 × 24 / 2500, क्लियर। तो ये हमारे पास y निकल के आ गया। अब देखो यार, अगर मैं जेन्युइनली कैलकुलेशन करने बैठूँ टाइम लगेगा ना, तो कैन आई यूज मोबाइल, वाई नॉट, क्योंकि हमको यार डिवाइड थोड़ी ना सिखाना है तुमको, डिवाइड अपना खुद करो, डिवाइड भी नहीं कर पा रहे तो फिर बेकार है, तो छोड़ ना 18 into
अरे वो कैलकुलेशन करने को करूं बैठ के, फिर ये टाइम ही तो बिगड़ जाएगा। 3.11 कितना आ रहा है इसका आंसर? 3.11 भाई, कितना निकल के आएगा हमारे पास? 3.1 मीटर है। अब लेकिन सुनो, वाई निकल के आया 3.11, हमको तो इस पूरे सपोर्टिंग वायर की लेंथ चाहिए थी, तो कितनी होगी पूरी? 6 + 3.1। देखना आंसर यही आ रहा है। वेरी गुड, चक्कर समझ आया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था? ये पैराबोला इस तरीके से था, ये 6 मीटर नीचे की तरफ था। अब हम तो एक्स एक्सिस ऐसे लेंगे ना, ये माइनस एक्स एक्सिस है। बात क्यों रही है, इतना मजेदार चीज आप उसमें मैं बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली आज घर पे आप जाके सर्च करना सस्पेंशन ब्रिज क्या, तो उनके बारे में पढ़ना। शायद 1824 के आसपास पहली बार बनाया गया था, बहुत ही हाँ 1826, बहुत ही छोटे लेवल पर ये बनाया गया था। और ये बनाया गया था पहले उसके लिए, क्रिएशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, हाँ मॉडल्स के लिए था। फिर धीरे 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 ये चीज़ बहुत ज़्यादा फिर इसका प्रैक्टिकली यूज़ होने लगा बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भाई लेक होती है उनके बीच में जगह नहीं होती है, तो सस्पेंशन ब्रिज बना दिया जाता। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट, क्योंकि पैराबोला इस तरीके से है, तो ये 6 मीटर, तो हम एक्स एक्सिस इसको लेंगे, ना कि इसको एक्स एक्सिस लेंगे। सुनो ध्यान से, अगर आप इसको एक्स एक्सिस लेते, इसको एक्स एक्सिस लेते, बट हमने इस टाइप का पैराबोला पढ़ा ही नहीं है। हमने पैराबोला इस टाइप का पढ़ा है, हमने पैराबोला इस टाइप का पढ़ा ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है ये। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आउट ऑफ स्कोप है, करेंगे डिस्कस जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे उसमें बता देंगे। कोई डाउट है ये बताओ, पक्की बात है?